की बातें। एक बार पार्वती माँ और शिव जी ने निर्णय लिया कि हम धरती का भ्रमण करने चलेंगे। उन्होंने अपनी प्रिय नंदी के साथ भ्रमण करने के लिए धरती पे आए। वह अपने नंदी पे बैठ के भ्रमण कर ही रहे थे कि कुछ लोगों ने उन्हें देखा और कहा कि कैसे लोग हैं, इतने कमजोर नंदी पे बैठ के खुद उस पे इतने जा रहे हैं। तब क्रोध में आके पार्वती माँ नंदी पर से उतर गई। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि कैसा पति है, खुद बैल पे बैठ के अपनी फूल जैसी बीवी को धरती पे चला रहा है। कुछ फिर शिव जी क्रोध में आके नीचे उतर गए। दोनों साथ में जाते जाते फिर कुछ दूर में कुछ लोगों ने फिर से कहा कि कैसे लोग हैं, बुद्धि मारी गई है इन लोगों की, खुद पैर पैदल चल के बैल को चलवा रहे हैं साथ में लेकर, ये नहीं कि खुद ही बैठ जाए। तब पार्वती माँ और शिव जी को क्रोध आ गया। वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचे। फिर पार्वती माँ और शिव जी सोच ही रहे थे कि हम इन सबका क्या करें, ये हमें ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं। तब नंदी ने हंसते हुए कहा कि माँ मैं एक बात बोलूं। पार्वती माँ ने कहा कि हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि माँ आप मुझे काम करिए, अपने सिर पे उठा लीजिए। तब शिव और पार्वती जी को उनकी बात समझ में आ गई नंदी जी की, और वह फिर से उसके ऊपर बैठ के धरती का भ्रमण करने लगे। शिक्षा, हमें लोगों के बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपना काम बुद्धिमानी से करना चाहिए। लोगों का काम है हमेशा दूसरों को गलत बोलना। धन्यवाद।